तो यार दोस्तों, कैसे चल रहा सब कुछ? मेरा नाम है लोकेश मॉडल, आप लोगों को टेक मैकेनिक पे। तो आज हम लोग एक बहुत कॉमन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेम्स पर सेकंड, यानी कि एफपीएस। तो अगर आप लोगों को एफपीएस के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिनको नहीं पता। तो अगर आपको नहीं पता तो देखते रहो। तो शुरू करते हैं। तो यार देखो, FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। और जैसे कि आपने बहुत सारे डिस्प्लेस देखे होंगे जिसमें अलग अलग हर्ट्ज लिखी हुई आती है, 60 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 144 हर्ट्स, 240 हर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग मॉनिटर्स आते हैं। तो यार हर्ट्स का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी, कि वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्रेम्स रिफ्रेश कर सकता है। मान लो अगर ये मॉनिटर जो मेरे पीछे पड़ा है 60 हर्ट्स का है, तो ये 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स दिखा सकता है। और अगर ये 120 हर्ट्स का होता तो ये 1 सेकंड में 120 फ्रेम्स दिखा सकता है। तो यार गेमिंग में भी यही हाल है कि अगर आपको 60 एफपीएस पे गेमिंग करनी है तो 60 हर्ट्ज का मॉनिटर चाहिए, और अगर 120 एफपीएस पे गेमिंग करनी है तो 120 हर्ट्ज का मॉनिटर चाहिए। हाँ, अगर आपके पास उतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड हो तो ही। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी आपके मॉनिटर की, उतनी ज्यादा स्मूथ गेमिंग देखने को मिलेगी आपको। तो बहुत बार लोग कमेंट नहीं करते कि यार मेरा गेम बहुत स्लो चल रहा है, लैग कर रहा है। तो वो लैग नहीं होता, उनकी रिफ्रेश रेट बहुत कम होती है, जैसे 10 या 15, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका गेम लैग हो रहा है। तो यार कंप्यूटर्स में तो आपको चाहे जितनी एफपीएस वाले मॉनिटर्स मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो आपको शायद 265 हर्ट्ज तक के मॉनिटर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम फोन्स की बात करें तो वहां पे इतनी फ्रीडम नहीं है। अगर हम फोन्स की बात करें तो टिपिकली सारे फोन्स में 60 एफपीएस वाली स्क्रीन ही आती है। लेकिन जैसे कि अगर आपने सुना हो कि अभी रेजर, जो कि गेमिंग लैपटॉप बनाने में बहुत पॉपुलर है, उसने एक गेमिंग फोन भी निकाला है। तो वो जो गेमिंग फोन है उसमें उसने डाला है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, जो कि बहुत लेजेंडरी है यार। बहुत कम ही ऐसे फोन है जिसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, और वहां पे उसने सब कुछ टॉप नॉच रखा है। और वहां पे वो उसको गेमिंग फोन इसलिए बोल रही है क्योंकि वहां पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। और यार वहां पे उन्होंने सब कुछ टॉप नॉच रखा, लेकिन स्क्रीन एमोलेड क्यों नहीं ली? क्योंकि 120 हर्ट्ज 1440p स्क्रीन पे एमोलेड पे पॉसिबल नहीं था। अगर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चाहिए, वो भी एक 1440p क्वाड एचडी स्क्रीन पे, तो वहां पे आपको आना पड़ेगा एक TFT या फिर एक IPS लेवल की स्क्रीन पे। तो इसीलिए रेजर ने चुनी एक आईपीएस स्क्रीन, जो कि बहुत बढ़िया है। वहां वहां पे आपको एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पे फ्रेम रेट ही उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। तो अगर हम कैमरास की बात करें तो वहां पे भी एफपीएस होती है। मान लो कि अगर आप अपने फोन का कैमरा लो और उससे कोई वीडियो रिकॉर्ड करो, तो वहां पे कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, वहां पे भी वो फोटोज ही क्लिक कर रहा है, बस बहुत ज्यादा फास्ट रेट से। मान लो कि आपका कैमरा 1 सेकंड में 30 फोटोज क्लिक कर रहा है ना, तो वहां पे जो आपका वीडियो बनेगा वो बनेगा 30 FPS का। और मान लो वहीं पे वो 1 सेकंड में 60 फोटोज क्लिक कर रहा है, तो वहां पे जो आपका वीडियो बनेगा वो बनेगा 60 FPS का। तो जब आपका फोन उस वीडियो को प्रोसेस करता है, तो वो जो फोटोज होती है जो उसने क्लिक की है, वो उसको इस तरीके से सीक्वेंस में जमा देता है कि जब आप 1 सेकंड में 30 फोटोज देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं। और ऑडियो तो जैसे अपनी नॉर्मल रिकॉर्ड होती है वैसे होती ही है। तो आप सबने स्लो मोशन वीडियोज तो देखे ही होंगे, तो स्लो मोशन वीडियोज में भी सारा खेल सिर्फ FPS का है और कुछ नहीं। तो जैसे कि आजकल बहुत सारे फोन्स में स्लो मोशन वाला फीचर आ गया है, तो नॉर्मली आपका फोन वीडियो रिकॉर्ड करता है 30 FPS पे। लेकिन अगर मान लो आपने स्लो मोशन ऑन कर दिया और स्लो मोशन में आपका जो कैमरा है वो 120 फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहा है 1 सेकंड में, तो वहां पे होता ऐसा है कि जब वो 1 सेकंड में 120 फ्रेम्स क्लिक कर लेता है, तो जब वीडियो प्रोसेस हो रहा होता है, तब वो उसको कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है कि 1 सेकंड में सिर्फ 30 फ्रेम्स ही प्ले हो। तो जब आप 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो वीडियो होगा वो 4 गुना स्लो चलेगा। और अगर मान लो कि वो 120 की जगह 240 फ्रेम्स क्लिक करता 1 सेकंड में, तो वहां पे जब आप 240 को 30 से डिवाइड करते तो आंसर आता 8। तो वहां पे आपको जो वीडियो होता वो 8 टाइम्स स्लो हो जाता। तो बस यही सारा खेल है कि अगर जितनी ज्यादा फ्रेम्स क्लिक कर सकता होगा ना कोई कैमरा 1 सेकंड में, उतना ज्यादा आप स्लो उस वीडियो को कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि फ्रेम रेट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, उसके पीछे का सारा झमेला क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो अब जानते हो आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये साल खत्म होने वाला है, इसमें सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, और ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। इस साल हमने पूरे किए 1000 सब्सक्राइबर्स, और यार इस बात के लिए मैं आप सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है, जो कि है आप लोगों का टाइम। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यार अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो प्लीज कमेंट करो, जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, खुल के पार्टी करना और दारू पी के गाड़ी में चलाना। तो तब तक के लिए गुड बाय।